हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं कंपनी अकाउंट के एमसीक्यूज करवाऊंगी जो आपके सीबीएसई एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो देखो, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करवा रही हूँ, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखो, अब तक मैं आपको कंपनी अकाउंट के 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवा चुकी हूँ जो डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट के हैं। ये टीएस गरेवाल की बुक के हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट जरूर आता है, तो 5 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं। आज मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करवा रही हूँ, हो सकता है इन्हीं एमसीक्यूज में से आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए, तो आप पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक देखना। देखो, सबसे पहला एमसीक्यू ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, चारों स्टेटमेंट आपको पढ़कर ये समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। देखो, पहला स्टेटमेंट है, ऑथराइज्ड कैपिटल इज लेस देन इश्यूड कैपिटल। क्या कभी ऑथराइज्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल से कम होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑथराइज्ड कैपिटल इज मोर देन और इक्वल टू इश्यूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल से ज्यादा भी हो सकता है और इश्यूड कैपिटल के इक्वल भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। तीसरा स्टेटमेंट है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू इश्यूड कैपिटल। क्या सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल से कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल के इक्वल भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। चौथा स्टेटमेंट है, सब्सक्राइब कैपिटल इज मोर देन इश्यूड कैपिटल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखो, यहाँ आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? फर्स्ट ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन में पहला और चौथा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन में सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है जो राइट ऑप्शन है, और डी ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर? देखो, जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है वो मैक्सिमम अमाउंट होती है शेयर कैपिटल की जो कंपनी पब्लिक से रेज कर सकती है। इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल का पार्ट होता है। तो समझ आया? अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, लुक इन पीरियड इज ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर और ऑप्शन डी नन। देखो, जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है शेयर्स का, तो लॉक इन पीरियड कितने समय का होता है? लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। क्या आपको पता है लॉक इन पीरियड क्या होता है? देखो, लॉक इन पीरियड में जो अलॉटी होते हैं, जिन्हें शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, वो 3 साल तक शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं, 3 साल तक वो शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये होता है लॉक इन पीरियड। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेंबर्स को ही शेयर इश्यू करती है, और जिन लोगों को वो शेयर इश्यू करती है, यानी जो अलॉटी होते हैं, वो शेयर्स को 3 साल तक बेच नहीं सकते हैं। इस 3 साल के पीरियड को बोलते हैं लॉक इन पीरियड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड ऑन इश्यूड अमाउंट। देखो, सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो इश्यूड अमाउंट होती है, उस पर कितनी अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन की होनी चाहिए, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन इश्यूड अमाउंट पर सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है। तो देखो, यहाँ 4 ऑप्शन है, 25%, 50%, 100% या 90%।
यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इश्यूड अमाउंट पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो फिक्स किया गया है वो है 90% ऑफ इश्यूड अमाउंट। क्या आपको पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब नहीं करता है, लेकिन सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन इश्यूड अमाउंट पर फिक्स किया गया है। यानी कंपनी को इश्यूड अमाउंट का 90% रिसीव होना चाहिए जब वो शेयर्स इश्यू करती है। ये जो अमाउंट है ये कंपनी को डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से 30 डेज के अंदर अंदर रिसीव हो जानी चाहिए। अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो पाता है तो कंपनी को नेक्स्ट 15 डेज में एंटायर अमाउंट एप्लीकेंट को रिटर्न करनी होगी। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, यानी नेक्स्ट 15 डेज में एंटायर अमाउंट एप्लीकेंट को रिटर्न नहीं करती है, तो कंपनी को उनकी एप्लीकेशन मनी पर 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना होगा। क्लियर? तो ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी के अकॉर्डिंग 90% फिक्स किया गया है इश्यूड अमाउंट पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस, बजट और रिपोर्ट। देखो, जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर करती है तो कंपनी कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है? क्या कंपनी रिपोर्ट बनाती है, बजट बनाती है, प्रोस्पेक्टस बनाती है, या स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। जब भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर करती है तो वो हमेशा स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम, रिजर्व कैपिटल और पेड अप कैपिटल। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि कंपनी का जो अनकॉल्ड कैपिटल का शेयर है, अनकॉल्ड कैपिटल का पोर्शन है, कंपनी उसे जब मंगवाती है, जब वो कंपनी को बंद करती है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ द कंपनी, उस पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल को हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं या प्रीमियम कहते हैं, रिजर्व कैपिटल कहते हैं या पेड अप कैपिटल? तो देखो, जब कंपनी पोर्शन ऑफ कैपिटल वाइंडिंग अप के समय में मंगवाती है, यानी जब कंपनी को क्लोज किया जाता है, उस समय जो अनकॉल्ड कैपिटल का शेयर होता है, कंपनी जब उसे कॉल करती है तो उसे हम हमेशा कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल कैन बी कॉल्ड ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंपनी मे इश्यू शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इश्यू, कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड ऑल ऑफ द अबव। कंपनी कितनी टाइप से शेयर्स इश्यू कर सकती है? कंपनी तीन तरह से शेयर इश्यू कर सकती है। वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है शेयर का, पब्लिक इश्यू भी कर सकती है, और तीसरा कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर सकती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों ही तरीके से कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट? प्राइवेट इश्यू, इश्यू एज स्वेट इक्विटी, इश्यू टू वेंडर्स और पब्लिक इश्यू। देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53, कंपनी कभी भी डिस्काउंट पर शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। सेक्शन 53 प्रोहिबिट करता है कंपनी को डिस्काउंट पर इश्यू शेयर्स करने के लिए, लेकिन कंपनीज एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग कंपनी कब शेयर डिस्काउंट पर इश्यू कर सकती है?
जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करती है तब कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इश्यू कर सकती है, अदरवाइज कंपनी सिर्फ दो ही तरीके से शेयर्स इश्यू कर सकती है, या तो पार पर इश्यू करेगी या फिर प्रीमियम पर। अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है तब कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इश्यू कर सकती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, इश्यू ऑफ शेयर्स एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये मैं आपको डिटेल्ड वे में एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके थियोरेटिकल पोर्शन में पूछा जा सकता है। तो स्वेट इक्विटी शेयर ये मेरे अगले वीडियो लेक्चर में आप देखना, आपको एक डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेचर ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का कौन सा नेचर होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये शेयर होल्डर के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर वही रूल फॉलो होगा जो पर्सनल अकाउंट में फॉलो होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट दोनों ही अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इन बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट इज शोन ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। देखो, जब हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल के नीचे सबसे लास्ट में कौन सा कैपिटल दिखाते हैं? सबसे लास्ट में हम दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द लास्ट कैपिटल शोन अंडर हेडिंग शेयर कैपिटल इन नोट्स टू अकाउंट। क्लियर? सबसे पहले हम दिखाएंगे ऑथराइज कैपिटल, इसके बाद हम दिखाते हैं इश्यूड कैपिटल, और लास्ट में हम दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो दो हेडिंग के अंडर दिखाया जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर? तो आज के वीडियो लेक्चर के जो भी एमसीक्यूज हैं, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं और भी आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी। कंटिन्यूटी में मेरे लेक्चर्स को देखते रहना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो लेक्चर, और जो मैंने आपको पांचों क्वेश्चंस करवाए हैं उन्हें भी आप जरूर देख लेना, ताकि आपके चार नंबर भी पक्के हो जाए डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट के। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी टीएस गरेवाल के, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। क्लियर? अपने फ्रेंड्स को भी लिंक आप जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी कंपनी अकाउंट से रिलेटेड क्वेरीज क्लियर हो जाए। और ये सारे एमसीक्यू जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये सब मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलेंगे, और जो भी नोट्स मैं बोर्ड पर प्रिपेयर करती हूँ वो सारे मैं शेयर कर दूंगी। क्लियर? थैंक यू सो मच।